हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, आई थिंक 11 बज रहे होंगे। और हम लोग है ना बस में हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कहीं, तो आप व्लॉग में बने रहिएगा, देखते रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये व्लॉग। ये बिल्कुल आउट वाला व्लॉग है, ठीक है। तो जो बाहर निकले हैं हम घर से, तो जा रहे हैं। मिक्की है ना बैठे बैठे परेशान हो गई है, और हम काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। मतलब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे टाइम लगता है जाने में, मिनिमम है ना एक डेढ़ घंटा, मिनिमम डेढ़ से पौने दो घंटा तो लगता ही लगता है। सो हम काफ़ी देर से बैठे हुए हैं बस में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, घर से शुरू करने की सोच रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, चलो मैं बाद में ही करूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी जाना था, निकलना था सुबह ही अर्लियर। तो सो इस वजह से मैं सुबह नहीं कर पाई, क्योंकि काम ही बहुत था। खाने में आलू के पराठे बनाए थे, सिर्फ नाश्ता करके आए हैं हम सब, नहा धो के नाश्ता करके फिर हम निकल आए। और बहुत टाइम से मेरा बहुत मन था यहाँ जाने का, बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं बोर, बिल्कुल हम सब ऐसे ही बैठे हुए हैं बिल्कुल। तो पूरा व्लॉग देखिएगा, और जिन्होंने भी मेरे चैनल नए हैं जो चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे सावन का टाइम चल ही रहा है, और हमने काफ़ी दिन से सोच रहे थे जाने की, तो हम जा ही नहीं पा रहे थे। सो मैंने अब निकले, तो मैंने यहाँ पे है ना थोड़ा सा देर के लिए मास्क हटाया है, क्योंकि मास्क लगा लगा के भी है ना मेरे को ना यहाँ लिप्स के आस अराउंड दाने दाने हो जाते हैं। सो मैं थोड़ा 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 हटाती रहती हूँ, जिससे थोड़ी हवा लगती रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी ही सांस से ना मतलब हो रहे हैं ये दाने मुझे, सो इसलिए। और यहाँ पे ना हमें बस ने उतार तो दिया है। मैं चलो आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं उज्जैन, जो इंदौर से हमें सिर्फ दो घंटे की दूरी पे पड़ता है, दो घंटा डेढ़ घंटे की दूरी पे पड़ता है। और उज्जैन हम आए हैं महाकाल के मंदिर। तो यहाँ पे ना बसों को काफ़ी दूर ही मतलब कर दिया है, जो होता है वहाँ पे मंदिर होता है, मंदिर के पास में आके नहीं उतार सकते ना ऑटो ना कुछ। सो हमें पैदल ही चलना पड़ रहा है। आगे तो आप देख रहे हैं वो दोनों बाप बेटा जा रहे हैं, और हम यहाँ पे हम माँ बेटा जा रहे हैं। तो हम दोनों इस तरीके से चल रहे हैं, और मैं गलती एक मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके वजह से मैं बहुत पछता रही थी बहुत ही ज़्यादा। बिकॉज मैं ना पहन के आ गई हूँ हील, और हील पहन के आ गई, और हील, और अब मुझे इतना चलना पड़ रहा है, इतना चलना पड़ रहा था, बस पूछो मत। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ना हम इतने ऊंचाई से नीचे उतरे थे, और ये ना बिल्कुल कोई जीना या कुछ नहीं है, ऐसी स्लिपरी है, तो मतलब गिरने का बहुत डर लग रहा था। बड़ी मुश्किल से हम उतरे हैं, पता नहीं क्या ऊट पटांग रास्ता दे दिया था मंदिर में जाने का। सो हमें बहुत दिक्कत हुई, पता नहीं रास्ता है ना घुमा दिया गया, नहीं तो ये रास्ता है था ही नहीं मंदिर में जाने के लिए। मंदिर में जाने के लिए तो बहुत ही सीधा और सिंपल रास्ता है। चल अब कहाँ को चलना है? चल अब सीधा है ना भैया, चलो हाथ पकड़ ले, झापड़ दूंगा नहीं तो। तन्नु को तो मजे आ रहे थे, है ना तन्नु? हैं? तन्नु को तो मजे आ रहे थे, बारे में चल रहा था मैसेज। हाँ बस थोड़ा मार्केट से एरिया आता है सारा, ये सब यहाँ पे धागे वगैरह सब मिल रहे हैं। तानी पैर पीछे करो, नीचे बिठा दूं? नीचे हाँ हाँ बिठाएंगे। आ जा मिक्की, जल्दी आ जा। Thank you.
खूब लंबी। एक बार शक्ल दिखा दे थोड़ा सा टाके। एक बार ऐसे कर। अरे मंदिर में पहुंचने दे ना, रख लेना। अरे मंदिर तनिया रुको बेटा। तो अब है ना हम मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं और मैंने हाथ में चप्पल ले ली थी, बट जहाँ पे से हमने प्रसाद लिया ना वहाँ पे उनको चप्पल दे दी है मैंने, और वहाँ हाथ वाथ धो के फिर प्रसाद ले लिया था मतलब चढ़ाने के लिए। पर क्योंकि मुझे उन हिल से चला ही नहीं जा रहा था, सो मैं कंफर्टेबल थी कि नंगे पैर ही चल लो, पर भैया बहुत पत्थर चुभे। तो यहाँ पे हम मंदिर में एंटर हो रहे हैं, लाइन से जाए जा रहे हैं। ये मंदिर बहुत बड़ा है, बट मुझे बहुत है ना बुरा भी लगा कि मैं इतने मन से इतने उससे आई थी, बट है ना क्या कर रखा है, सिर्फ मंदिर में मेन मंदिर में जाने का ही रास्ता बना रखा है, सब जगह बैरिकेड कर रखे हैं। नहीं तो यहाँ पे बैठने का और छोटे छोटे मंदिर हैं इसके अंदर, वहाँ घूमने का बहुत ही अच्छा है। पहले आती थी मैं, तो अभी हम चल ही रहे हैं, ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। और यहाँ पे ये बच्चों के पंडित जी लगा रहे हैं तिलक, तो यहाँ पे मैंने भी लगवा लिया, इन्होंने भी लगा लिया, सब लगा। यहाँ पे जो तिलक है सीधा सिंपल नहीं लगता, पूरे माथे पे एक परत बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर है ना एक ओम का या फिर उसका छापा सा बनाया जाता है। तो आप देख रहे हैं जैसे पंडित जी के लगे ना वैसे, अब आप हमारे फेस पे भी देख सकते हैं कैसा लगा है कैसा नहीं, तो कुछ इस तरीके से लगाया जाता है यहाँ पे। तो ये महाकाल की बहुत मतलब एक तरह से पहचान है कि यहाँ मंदिर पे लगता ऐसे ही है। तो यहाँ पे तिलक लगाने के बाद कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है, सो मैं वो ही दे रही हूँ। मुझे वो कह रहा हाँ कि ना 500 रुपये दे, 1500 दे दो, मैं जल भी करूँगा। मैंने कहा हाथ से चढ़ाए? हाँ नहीं मैं चढ़ाऊंगा खुद। नहीं मैं चढ़ा के लेकर मैंने तो रहने भाइयों बाहर हो जा, बाहर ऐसे जाना मत। तो हम दर्शन करके आ गए हैं अंदर, फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं किया था, बंद करा दिया था, सो मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाई, सो सॉरी। तो अंदर दर्शन हो गए हैं, बस दर्शन भी हमें चलते चलते हुए, ना ही रुकने दिया गया ना ही कुछ, बस हम चले जा रहे थे, प्रसाद हमसे ले लिया गया और वहाँ पे बस दर्शन करो और बस आगे निकलो। अब हम बाहर आ गए हैं, बच्चे अपनी शॉपिंग में लग गए हैं, तो बच्चों को कभी कुछ चाहिए कभी कुछ। तो यहाँ पे ना मुझे तनु को एक कड़ा दिलाना था, क्योंकि इसके पास जो पहले वाला था वो छोटा हो गया है, तो वो हाथ से निकाल दे तो इसका ही ना हाथ अच्छा ही नहीं लग रहा था, सो मैंने कहा चलो इसको कड़ा दिला दो। तो अब भी ये वो ही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा इसके हाथ पे जचेगा कौन से पे नहीं, और बेटी अपने लिए देख रही है। फोटो में दिख रहा है यहाँ पे निकाल के खा ले गुस्सा बर्गर की दुनिया नहीं है चिकन है मैं बर्गर तो वहाँ बस तुम लड़ते रहा करो 24 घंटे लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तो अब है ना हम मतलब यहीं पे ही उज्जैन में ही हम एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं खाना खाने, क्योंकि सुबह के निकले हुए हैं, नाश्ता कराई है बस। सो अभी जो टाइम है ना वो आई थिंक 5 बज रहे होंगे, सो हम अब खाना खा रहे हैं। पर बच्चों के लिए तो जो नूडल्स वगैरह मंगा दिए हैं थोड़े से कि चलो इतने ये खा लो जब तक खाना आता है, क्योंकि यही है ना बच्चों का, तो सबसे पहले क्या खाएंगे जी, नूडल्स खाएंगे, नूडल्स मंगा दिए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर।